समस्याएं कई जगहों पर हैं, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात कही जा रही है। वहीं हरियाणा के हिसार में बनने वाले 500 बेड के अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जगह का मुआयना किया। हिसार के जिंदल मॉडर्न स्कूल में ये 500 बेड कोविड अस्पताल बनाने के आदेश दिए। हिसार में 500 बेड का ये कोविड अस्पताल DRDO तैयार करेगा और हिसार के जिंदल मॉडर्न स्कूल में बनने वाले से 500 बेड कोविड अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ लगते जनरल इंडस्ट्रीज से पाइप के जरिए यहां पर सप्लाई की जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, ये बात भी कही गई। 500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, इसके लिए यहां पर मुआयना किया CM खट्टर ने। देखिए, अभी तो चूंकि सारी जो ऑक्सीजन का विषय है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन है, वो ट्रांसपोर्टेबल होती है। यहाँ से हमारी 9 मेट्रिक टन पहले से मिल रही है, जिसका हिसार, अग्रोहा और सिरसा, वहाँ की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। लेकिन फिर भी जो गैस रूप में ऑक्सीजन होती है, उसका उपयोग कैसे किया जाए, तो इसके लिए विचार बना कि यहाँ एक हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल हिसार में, और एक ऐसे ही 500 बेड का हॉस्पिटल हम पानीपत में बना रहे हैं जो IOC की रिफाइनरी है। दोनों जगह पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी DRDO की सहायता से ये दो जगह फैसिलिटी बनेगी, तो कम से कम 1000 लोगों का ये हॉस्पिटल ये और बन जाएगा। तो CM खट्टर यहाँ पर पहुंचे, मौके का मुआयना किया।